हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है एच टू स्टडी चैनल में। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे वाटर। वाटर का ये हम लोग का नेक्स्ट वीडियोज रहेगा, तो फर्स्ट वाला वीडियोज आप लोग देखिएगा। आप लोग देखते नहीं हैं, पूरा लग रहा है आप लोग ऐसे आधा देख के छोड़ देते हैं। हमको दिख लग रहा था, ऐसा ही फील हो रहा था कि आप लोग पूरा नहीं देख रहे। पूरा नहीं देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा फिर आगे वाला लेक्चर, बस साफ बात है, ठीक ना। तो देखिए, हम लोग जहाँ तक उस लेक्चर को छोड़े थे उसके आगे आज हम लोग बढ़ते हैं। जैसे हम लोग उसमें पिछले वाला लेक्चर में हार्डनेस ऑफ वाटर के बारे में देखे थे, फिर हार्डनेस ऑफ वाटर का क्या क्या यूनिट होता है, कौन कौन सा यूनिट में हम लोग उसको मेजरमेंट कर सकते हैं, ये भी हम लोग देखे थे। फिर इस लेक्चर में आज हम लोग देखेंगे, जैसे देखिए उसमें हम लोग हार्डनेस ऑफ वाटर को मेजरमेंट कर रहे थे कि कितना हार्ड है, वो किसके फॉर्मेट में मेजरमेंट कर रहे थे, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेट में। उसके बाद आप लोगों का एक और मेथड था EDTA, ठीक है। तो वो वाला मेथड को हम आप लोगों का स्पेशल एक सेपरेट वीडियोज बना देंगे, जिसमें उसमें मैक्सिमम चीज़ क्या है, थ्योरिटिकल पार्ट है, थ्योरी उसमें पूरा है, और उसको एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में बताना होगा तभी वो समझ में आएगा। और एक्सपेरिमेंट जब तक नहीं होगा तब तक फिर मज़ा नहीं आएगा उसको पढ़ने में, तो इसलिए उसके लिए थोड़ा वेट करना होगा। लेकिन उसके जस्ट बाद है हम लोगों का पढ़ना था कि सॉफ्टेनिंग ऑफ वाटर, जैसे कि हार्डनेस ऑफ वाटर। हम लोग तो ये पता कर लिया कि पानी में कितना हार्डनेस है, पानी में इम्प्योरिटीज पदार्थ है, अब उस इम्प्योरिटीज को अब हम कैसे हटाएंगे। यानी जैसे देखिए, सॉफ्ट वाटर जो रहता था उसको हटाना तो एकदम आसान था, लेकिन जो सॉफ्ट वाटर तो वो तो ऐसे ही पी लेते थे, लेकिन जो हार्ड वाटर होता था उस हार्ड वाटर में दो तरह का हार्डनेस होती थी, एक टेम्प्रोरी हार्डनेस और एक परमानेंट हार्डनेस। तो टेम्प्रोरी हार्डनेस को तो हम लोग आराम से हटा सकते थे, जैसे उसको हम लोग गर्म करके हटा सकते थे पानी, लेकिन परमानेंट हार्डनेस को कैसे हटाएंगे वही आज हम लोग सीखेंगे कि परमानेंट हार्डनेस को कैसे हटाना। और साथ साथ टेम्प्रोरी हार्डनेस को भी केवल बॉयलिंग के थ्रू ही नहीं हम लोग हटा सकते, और मेथड है टेम्प्रोरी हार्डनेस को और कैसे हम लोग रिमूव करेंगे ना, उसके बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग का सॉफ्टेनिंग हार्ड वाटर, यानी हार्ड वाटर को हम लोगों को क्या करना, सॉफ्ट बनाना, यानी उसमें से जो भी इम्प्योरिटीज है उस इम्प्योरिटीज को हमको वहाँ से हटाना है। तो देखते हैं कि क्या क्या इसमें रखा हुआ है, क्या क्या दिया हुआ। देखिए, सॉफ्टेनिंग ऑफ हार्ड वाटर, हार्ड वाटर के बारे में अच्छा से समझे होंगे। हार्ड वाटर के अंतर्गत परमानेंट हार्ड वाटर और टेम्प्रोरी हार्ड वाटर आता। अब इसमें ये आप लोगों को ध्यान रखना है ना कि टेम्प्रोरी हार्डनेस में कौन कौन सा इम्प्योरिटीज पाया जाता है, ठीक, और परमानेंट हार्डनेस में कौन कौन सा इम्प्योरिटीज पाया जाता है, क्योंकि ये वाला इम्प्योरिटीज काम देगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन, क्या आखिर आपके पास इम्प्योरिटीज पता था रहेगा तब ना कि हाँ ये परमानेंट हार्डनेस है, इसमें ये चीज़ है, तो इसको इसके इसको इसको ख़त्म करने के लिए हमको ये चीज़ मिलाना होगा। तो सबसे पहला वो आप लोगों को दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। ये सब सारा चीज़ पिछले वाला लेक्चर में हम बताएं आप लोगों को, पिछले वाले लेक्चर देख लीजिएगा, इसके बाद ही इसको देखिएगा, नहीं तो फिर या नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से सारा सीरीज में आप लोगों का वीडियो मिल जाएगा, आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले सॉफ्टेनिंग हार्ड वाटर समझते हैं, ये मतलब कि सॉफ्टेनिंग हार्ड वाटर है क्या। तो सबसे पहले क्या, ये एक प्रोसेस है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने का एक प्रोसेस है कि हार्ड वाटर को कैसे हम लोग सॉफ्ट बना सकते हैं और उसको कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी देखिए पीने वाला पानी तो है नहीं उतना, तो हार्ड वाटर को ही तो अब सॉफ्ट करना होगा। कैसे कैसे करेंगे वो देखिए, अब इसमें भी टेम्प्रोरी मिलेगा और परमानेंट मिलेगा, टेम्प्रोरी को कैसे हटाएंगे और परमानेंट हार्डनेस को कैसे हटाएंगे, सारा चीज़ देखने को मिलेगा यहाँ पे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि सॉफ्टेनिंग हार्ड वाटर किसको बोलते हैं, सॉफ्टेनिंग हार्ड वाटर किसको बोलते हैं। देखिए, द प्रोसेस ऑफ रिमेनिंग सोल्यूशन, देखिए द प्रोसेस ऑफ सॉरी रिमेनिंग द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सोल्यूबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट्स फ्रॉम हार्ड वाटर इज कॉल्ड सॉफ्टेनिंग ऑफ वाटर। देखिए, सॉफ्टेनिंग ऑफ वाटर किसको बोलते हैं, जनरली वाटर में क्या पाया जाता है, हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम का ही सल्फेट पाया जाता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का सल्फेट पाया जाता है, कार्बोनेट पाया जाता है, बाई कार्बोनेट पाया जाता है, इसी के चलते तो वो हार्ड हो जाता है। तो वही जो हम लोगों को बोलता है कि जो पानी में सोल्यूबल है, पानी में जो सोल्यूबल है उस सोल्यूबल को हमको क्या करना, कैसे भी हटा देना, यानी पानी में घुला हुआ रहता है तो डायरेक्ट छान के भी तो नहीं हम हटा सकते हैं, तो छान के पता चलेगा साथे साथे घुस गया, तो उसको कुछ अलग मेथड से हम लोगों को हटाना होगा, फिल्टर करना होगा, सॉफ्ट करना होगा, ताकि हम लोग उसको पी सकें। तो सबसे पहला डिफिनेशन लिख लीजिएगा, सॉफ्टेनिंग ऑफ वाटर किसको बोलते हैं, ये एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू जो जो भी वाटर में सोल्यूबल पार्टिकल्स घुला हुआ है उस सोल्यूबल पार्टिकल्स को हमको कैसे भी रिमूव करना है, और वही जो रिमूविंग प्रोसेस होता है ना उसी को हम लोग बोलते हैं सॉफ्टेनिंग ऑफ हार्ड वाटर, यानी द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग, देखिए सोल्यूबल पार्टिकल है जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम है साल्ट्स फ्रॉम हार्ड वाटर,
हार्ड वाटर में ये सब घुला हुआ है उसको क्या करना है, रिमूव करना है, रिमूव करना, वही जो प्रोसेस लगता है उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। अब देखिए सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर में एक टेम्प्रोरी हार्डनेस था, एक परमानेंट हार्डनेस था। तो सबसे पहले टेम्प्रोरी हार्डनेस के बारे में समझते हैं, फिर टेम्प्रोरी हार्डनेस को कैसे हटाते हैं। तो देखिए द मेथड फॉर रिमूविंग टेम्प्रोरी हार्डनेस, सबसे पहले टेम्प्रोरी हार्डनेस के बारे में पढ़ेंगे, द मेथड फॉर रिमूविंग टेम्प्रोरी हार्डनेस। तो देखिए टेम्प्रोरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए मेरे पास दो मेथड है, पहला बाय बॉयलिंग मेथड, बॉयलिंग मेथड है। पहला क्या करेंगे, पानी को गर्म करेंगे, पानी को गर्म करेंगे। दूसरा हम लोगों के पास क्या, क्लार्क्स मेथड। आप लोग याद होगा, अगर आप लोग एग्जाम दिए होंगे ना तो आप लोगों को ये वाला जरूर पूछा हुआ होगा, बहुत सारा कॉलेज में ये वाला क्वेश्चन डाल दिया हुआ था कि क्लार्क मेथड से कैसे हम लोग टेम्प्रोरी हार्डनेस को कैसे हम लोग हटाते हैं। तो क्लार्क मेथड क्या, जानिएगा तब ना लिखिएगा, नहीं जानिएगा तो फिर क्या लिखिएगा, ऐसे ही पास हो जाइएगा। पता चलेगा ना कि आगे जाके फिर वही जैसे रोड पर लोग घूमते हैं ना वैसे ही इंजीनियर बनकर घूमते रहिए। इसीलिए हम बार बार आप लोगों को बोलते हैं कि पढ़ लीजिए, पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। तो देखिए बाय बॉयलिंग और क्लार्क्स मेथड। देखिए बाय बॉयलिंग क्या, ये वाला तो आप लोगों को हम बताएं पहले वाला लेक्चर में भी। बॉयलिंग में क्या होता है कि बॉयलिंग के थ्रू वैसे इंप्यूरिटीज को हटाया जाता है जो क्या हो सकता है, बॉयल करने के बाद वैसा इंप्यूरिटीज जो गर्म होने के बाद उसमें जो भी उसमें सोल्यूबल इम्प्यूरिटीज था ना वो इनसोल्यूबल फॉर्मेट में और नीचे प्रिसिपिटेट हो जाता है। यानी वही जो पेंदी जिस बर्तन में गर्म कर रहे उसी बर्तन के पेंदी में क्या हो जाएगा, प्रिसिपिटेट हो जाएगा। अब जैसे देखिए प्रिसिपिटेट मतलब क्या होता है, अवक्षेप मतलब कि नीचे बैठ जाना, गंदा नीचे बैठ जाना। तो देखिए बाई बॉयलिंग प्रोसेस क्या, बाई बॉयलिंग प्रोसेस क्या हम लोग का, बाय बॉयलिंग प्रोसेस से याद रखिएगा केवल और केवल टेम्प्रोरी हार्डनेस को ही हम लोग रिमूव कर सकते हैं, परमानेंट हार्ड वाटर को हम लोग नहीं हटा सकते हैं। तो टेम्प्रोरी हार्ड वाटर कंटेंस, टेम्प्रोरी हार्ड वाटर के पास क्या होता है, सो देखिए टेम्प्रोरी हार्ड वाटर के पास कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट होता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट। और ये जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट है ना, ये पानी में अच्छे तरह से घुल जाता है, पानी में अच्छे तरह से घुला हुआ रहता है, लेकिन एक फिक्स टेम्परेचर पे यानी नॉर्मल टेम्परेचर 27 डिग्री टेम्परेचर पे घुला हुआ रहता है। फिर क्या बोलता है, दीज साल्ट्स आर डिकम्पोज्ड ऑन बॉयल्स द वाटर फॉर्मिंग। देखिए दीज साल्ट्स आर डिकम्पोज्ड ऑन बॉयलिंग द वाटर फॉर्मिंग इन सोल्यूबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स विच कैन बी इजिली रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन एंड दस वाटर इज सॉफ्टेंड। जैसे देखिए यहाँ पे तो आप लोगों को ये याद रखना होगा कि टेम्प्रोरी हार्ड वाटर में क्या क्या पाया जाता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ठीक ना, कैल्शियम का बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट पाया जाता है टेम्प्रोरी हार्ड वाटर में। और ये देखिए इसका एक प्रॉपर्टीज है, ये नॉर्मल टेम्परेचर में ना आराम से पानी में घुला हुआ रहता है, ठीक। और जैसे ही पानी को जब हीट करेंगे ना, पानी को गर्म करेंगे ना, तो वो जो पानी के साथ उसमें घुला हुआ उसे वो डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज मतलब अब उससे हटेगा, क्योंकि अब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से वो क्या करता है, उस पानी को छोड़ने लगता है जिसको पकड़ के रखा है। और फिर वही टेम्परेचर जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ाते वैसे वैसे जो कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट था वो अब क्या होगा, अब किसी अदर फॉर्मेट में चेंज होने की कोशिश करेगा, और अनदर फॉर्मेट में वही फिर कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट में चेंज हो जाता है, और वो कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट नीचे बैठ जाता है और ऊपर पानी रहेगा। फिर उसको आराम से क्या कर दीजिए, छान दीजिए अच्छे से, छलनी से छान दीजिए छोटा छोटा सीव वाला से, और आराम से फिल्टर हो जाएगा फिर वाटर, और उसको आराम से फिर पी सकते हो, पीने योग्य पानी होता है। आप लोग देखिएगा ना, घर वाला पानी को ना लोग कभी कभी गर्म करके पीते हैं, उसको गर्म करके पीने के बाद ना हार्डनेस उसका कम हो जाता है और आराम से पी लेते हैं। यही है डिफिनेशन लिखा हुआ था यहाँ पे कि फॉर्मिंग इनसोल्यूबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट बन जाता है। देखिए जैसे ही गर्म करेंगे तो वहाँ पे इनसोल्यूबल जो पानी में नहीं घुलता, इनसोल्यूबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट बन जाता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, विच कैन बी इजिली रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन, जिसको हम लोग अच्छे से छान करके फिल्टर करके रिमूव कर सकते हैं, दस द वाटर इज सॉफ्ट एंड, इसके बाद फिर वाटर क्या हो जाता है, सॉफ्ट वाटर हो जाता है। जैसे देखिए CaHCO3 की हॉल्ट, ये क्या है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये एक परमानेंट नहीं, ये एक टेम्प्रोरी हार्डनेस है, ठीक, ये एक टेम्प्रोरी हार्ड
बनाता है वाटर को, तो इस ये क्या एक नॉर्मल टेम्परेचर पे, ठीक ना, नॉर्मल टेम्परेचर पे, और जैसे ही इसको हम लोग हीट देंगे, गर्म करेंगे, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट था, वो कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो जाएगा, यानी चूना पत्थर में, और नीचे बैठ जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा बर्तन में, बर्तन में यहाँ के बैठ जाएगा, पानी आराम से बचेगा और कार्बन डाइऑक्साइड आराम से ऊपर में उड़ जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर उतना टेंशन नहीं है, ये एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो बचा पानी, तो पानी हम लोग आराम से यूज कर सकते हैं ये बर्तन में। इसको इसको एक बार क्या करते हैं, फिल्टर करेंगे, छानेंगे, इसके बाद ये नीचे बैठ जाएगा, ये H2O बचेगा, कार्बन डाइऑक्साइड चल जाएगा एटमॉस्फेयर में। उसी तरह मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को भी गर्म करते हैं, तो एक फिक्स टेम्परेचर पर मैग्नीशियम कार्बोनेट में ये चेंज हो जाता है, जो भी नीचे क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है, बैठ जाता है, पानी फिर बनेगा और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। छान दीजिए, इसको भी फिल्टर कर देंगे, चलनी से फिल्टर करके आराम से कर सकते हैं। देखिए, और ध्यान रखिएगा, ये बॉयलिंग बाय बॉयलिंग ये एक छोटा प्रोसेस है, और एक शॉर्ट टर्म के लिए और एक डोमेस्टिक पर्पस के लिए ये है। मान लेते हैं कि पूरा, अगर हमको पूरा शहर को पानी सप्लाई करना है, तो क्या पूरा पानी को बॉयल करके भेजेंगे? कितना बॉयल कीजिएगा, बहुत खर्चा भी पड़ेगा और प्लस में संभव भी नहीं होगा। तो ये जो प्रोसेस है बाय बॉयलिंग मेथड, ये केवल घर में या फिर हाँ घर में डोमेस्टिक पर्पस का घर में ही इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, उससे बाहर ये काम नहीं देगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस मेथड इज ओनली इफेक्टिव ऑन डोमेस्टिक पर्पस, दिस मेथड इज नॉट फॉर एनी सिटीज, एनी सप्लाइड फॉर सिटीज एंड एनी कंट्रीज। इस प्रोसेस से हम लोग पूरा कंट्री को वाटर सप्लाई नहीं कर सकते, पूरा गांव को वाटर सप्लाई नहीं कर सकते, पूरा शहर को वाटर सप्लाई नहीं कर सकते। तो उसका एक अलग मेथड है, उसको भी देखते हैं, लेकिन टेम्प्रोरी हार्डनेस को, तो आई होप समझ में आ गया होगा। टेम्प्रोरी हार्डनेस में पहला मेथड क्या था, बाय बॉयलिंग। दूसरा मेथड क्या है, क्लार्क्स मेथड। क्लार्क्स मेथड क्या है, ये भी क्लार्क्स मेथड क्या है, ये भी एक टेम्प्रोरी हार्डनेस, जो टेम्प्रोरी हार्ड वाटर होता है उसी को हम लोगों को रिमूव करना है, टेम्प्रोरी हार्डनेस को। लेकिन ये जो क्लार्क मेथड है, इसी मेथड के थ्रू पूरा शहर को, पूरे सिटी को, जो भी टेम्प्रोरी हार्डनेस होता है ना, वो वाला वाटर सप्लाई किया जाता है। और जो हार्ड वाटर होता है उसका अलग अलग प्रोसेस होता है, उसको भी देखेंगे कि हार्ड वाटर को कैसे हम लोग सॉफ्टनिंग करते हैं या फिल्टर कैसे करते हैं। हार्ड वाटर को फिल्टर करके, जैसे आप लोग देखते होंगे नदी में लगल है, तालाब में लगल है, वहाँ से पानी खींच रहा है और फिर उसको फिल्टर करके पूरे शहर को पानी दे रही है, या नहीं तो बड़ा बड़ा रिजर्वायर में लगा हुआ रहता है, जिसको डैम बोलते हैं, वो बड़ा बड़ा डैम में क्या लगा रहता है, पानी वाटर सप्लाई के लिए लगा रहता है। उस वाटर को बिजली भी बनाते हैं, उस वाटर से बिजली भी बनाते हैं, लेकिन उसका अलग हो जाता है कंडीशन। हम लोग अभी देख रहे हैं कि कैसे कैसे पानी को यूज करेंगे, कैसे फिल्टर करेंगे, कैसे आगे सप्लाई करेंगे, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक वाटर पहुँच सके। उसी तरह आप लोगों को भी इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाना है, ठीक ना। जैसे हम लोग, ये तो बाय बॉयलिंग मीन्स क्या था कि ये आप अपना फायदा के लिए कर रहे हैं, घर में के लिए, लेकिन क्लार्क मेथड क्या था कि पूरे शहर को पानी दे सकता है, लेकिन कंडीशन टेम्प्रोरी हार्ड वाटर होना चाहिए। इसको आराम से फिल्टर करके इस मेथड से हम लोग आगे तक पहुंचा सकते। देखते हैं ये मेथड क्या है, क्लार्क मेथड। तो इतना सारा स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। देखिए, सेकेंड मेथड हम लोग का था, जो सेकेंड मेथड क्या है, ये कि पानी टेम्प्रोरी वाटर को कैसे हम लोग को हटाना है, उसका ये सेकेंड मेथड है, ठीक है। सेकेंड मेथड पहला बाय बॉयलिंग मेथड, दूसरा क्लार्क मेथड। देखिए, अगर आप लोगों को एग्जाम में बोले कि टेम्प्रोरी हार्डनेस को कैसे हटाना है, तो आप लोगों को ये दोनों लिखना, ठीक। और अगर मेंशन कर देना कि कोई एक मेथड लिखे, या क्लार्क में, मतलब कोई बोलेगा कि आप टेम्प्रोरी हार्ड वाटर को कैसे रिमूव कर सकते, कोई एक मेथड को एक्सप्लेन कीजिए, तो दोनों में से कोई भी आप एक मेथड को एक्सप्लेन कर सकते हो, साथ में इक्वेशन जरूर लिखिएगा, इक्वेशन, ठीक ना। देखिए, क्लार्क मेथड क्या होता है, क्लार्क मेथड कुछ है नहीं, ये जनरली क्या है ना कि जो भी, जहाँ से हमको वाटर सप्लाई करना, मान लेते हैं कि नदी से वाटर सप्लाई करना है, तो नदी से वाटर सप्लाई करना, तो क्या करेंगे, पहले सबसे पहला नदी वाला पानी, नदी में भी हार्डनेस होता है, लेकिन उसमें ना परमानेंट हार्डनेस होता है। अच्छा, सपोज करते हैं तालाब वाला या फिर चपाकल वाला पानी को हमको क्या करना है, या कुआं वाला पानी, सपोज कीजिए कुआं वाला तो टेम्प्रोरी हार्डनेस होता है, कुआं वाला पानी को हमको सप्लाई करना है, तो क्या करते हैं, कुआं वाला पानी को कुएं में ही क्या हम लोग करते हैं, एक्सेस ऑफ, मतलब कि ज़्यादा भी नहीं, एक लिमिट मात्रा में, जितना पानी है उतना मात्रा में हम लोग उसमें क्या डाल देते हैं, चूना डाल देते हैं, समझे। चूना भी बहुत बढ़िया काम करता है, यही है क्लार्क मेथड।
चूना डाल देंगे उसमें, चूना में कौन सा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट यानी CaHCO3, नहीं सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH, ये चूना डाल देंगे उसमें। और चूना जैसे ही डालेंगे ना, वैसे ही उसमें के जितना भी इम्प्यूरी मतलब जितना भी पानी के साथ घुला हुआ पदार्थ था ना, जो सोल्यूबल पार्टिकल्स था और वो इम्प्योरिटीज था जिसके चलते हार्डनेस शो कर रहा था, हार्डनेस दिखा रहा था, वो सब क्या हो जाएगा, सब प्रिसिपिटेट हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा छना उना के एकदम, और ऊपर में एकदम पानी तैरता हुआ क्लीन, नीट एंड क्लीन दिखेगा, उसमें सारा चीज़ खत्म हो जाएगा इम्प्यूरिटीज। और वो पानी पीजिएगा ना तो पीने में मज़ा भी आएगा, लेकिन हाँ ज़्यादा चूना डाल दीजिएगा तो वो भी हार्ड हो जाएगा, फिर अब हार्ड हो जाएगा, इसीलिए नॉर्मल चूना मतलब कि एक प्रॉपर अमाउंट में चूना डालना, वो पता कैसे चलेगा, वो पहले चेक तो करना होगा कि उसमें कितना हार्डनेस है, उसके बाद चेक करना होगा कितना लीटर पानी, उसके बाद उसमें पता करना होगा कि कितना उसमें चूना डालेंगे, सो समझे। तो देखिए डिफिनेशन क्या है, क्लार्क मेथड है, देखिए दिस इज चीपेस्ट मेथड, अब बात सही है, सबसे आसान मेथड है, इसमें ना पानी गर्म करना ना कुछ करना है, किसी भी चीज़ का बर्बादी भी नहीं होगा, ईंधन ऊंधन भी बर्बाद नहीं होगा, आराम से ले जाकर डाल दीजिए एक बोरा, सोच समझ के ठीक। तो ये चीपेस्ट मेथड है, इसमें कुछ नहीं करना, और इस मेथड से आप पूरे गांव को पानी सप्लाई कर सकते हैं, पूरे सिटीज को पानी भी सप्लाई कर सकते हैं, पंप लगा के आराम से सप्लाई करवा दीजिए, पानी का तो कोई टेंशन नहीं, इम्प्यूरिटीज है तो उसको साफ़ करने के लिए कोई परेशानी है नहीं, खाली डाल देना चूना डालते दाना होते जाएगा। तो दिस इज चीपेस्ट मेथड फॉर रिमूविंग टेम्पोररी हार्डनेस इन वाटर, दिस इज क्या चीपेस्ट मेथड, अगर पूछा जाए कि कौन सा चीपेस्ट मेथड है, क्लार्क मेथड या फिर बॉयलिंग मेथड, तो क्लार्क मेथड सबसे चीपेस्ट है, सस्ता है, एकदम सस्ता है और फिर आसान भी है, दिस इज चीपेस्ट एंड इजीएस्ट मेथड फॉर इजीएस्ट भी लिख दीजिए, दिस इज चीपेस्ट एंड इजीएस्ट मेथड फॉर रिमूविंग टेम्पोररी हार्डनेस इन वाटर। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या करते हैं, सफिशियंट अमाउंट ऑफ लाइम, देखिए सफिशियंट अमाउंट ऑफ लाइम इज एडेड टू वाटर, सफिशियंट अमाउंट ऑफ लाइम क्या करते हैं उसमें हम लोग ऐड कर देते हैं वाटर में, एडेड टू वाटर विच, एडेड टू वाटर जैसे ही उसमें हम लोग ऐड करते हैं वो क्या करता है, विच कन्वर्ट ऑल द सोल्यूबल बाइकार्बोनेट, जितना भी सोल्यूबल बाइकार्बोनेट था, और यही सोल्यूबल बाइकार्बोनेट के चलते वाटर हार्डनेस शो कर रहा था, हार्डनेस दिखा रहा था या हार्ड लग रहा था पानी पीने में, तो ये जो सोल्यूबल बाइकार्बोनेट है वो तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा इनटू इनसोल्यूबल कार्बोनेट में, और इनसोल्यूबल कार्बोनेट में जैसे ही कन्वर्ट हो जाता है तो फिर वो भारी हो जाएगा नीचे बैठ जाएगा यानी सेडिमेंट हो जाता है, नीचे बैठ जाता है आराम से, फिर उसको हम लोग ऊपर वाला फिल्टर करके, मान लेते हैं सप्लाई कर रहे तो डायरेक्ट पाइप से ही नहीं, पाइप से जब पानी निकलेगा तो वहाँ पे हम लोग लगा देंगे एक फिल्टर करने वाला, आराम से जाते रहेगा चलने। जैसे देखिए अब इसका क्या है, इक्वेशन समझते हैं, इक्वेशन हम लोगों को क्या बोलता है, देखिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट यानी पानी में टेम्पोररी हार्डनेस किसके चलते होता है, बाइकार्बोनेट के चलते, बाइकार्बोनेट कैल्शियम या मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट होगा, इसी के चलते क्या होता है हार्डनेस होता है टेम्पोररी हार्डनेस, इसी को तो हमको हटाना है, या तो गर्म करके या फिर चूना मिला के, चूना मिला दिए देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दोनों में चूना मिला दिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे तो ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट था वो किस चीज़ में चेंज हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो जाएगा, और जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हुआ तो ये भारी है, ये आराम से नीचे पेंदी में बैठ जाएगा, बचेगा पानी, पानी को हम लोग सप्लाई कर देंगे या फिर फिल्टर करके यूज कर लेंगे, पी लेंगे हम लोग, या नहीं तो इसमें उतना ही भी फिल्टर कीजिएगा ना, तो ये क्या, ये तो नीचे जाके थोड़ी ना घर में भारी भारी मतलब ज़्यादा जहाँ ज़रूरी है ना वहाँ पे ये सब मेथड यूज करते, तो आराम से नीचे बैठिए जाता है पेंदी, ऊपर वाला पानी पंप से निकाल लीजिए कुआं वुआ में से, तो फिल्टर कर लीजिएगा तो और आसान होगा, कुछ कुछ अगर लकड़ी उकड़ी या कुछ कुछ बजा हुआ होगा तो भी हट जाएगा। अब देखिए मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के साथ कैसे होता है, इसके साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे भी प्रोड्यूस होगा, और कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा नीचे प्रिसिपिटेट हो जाएगा, साथ साथ यहाँ पे एक मैग्नीशियम कार्बोनेट भी बनता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट बनेगा और साथ साथ H2O बनता है, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट उतना असर नहीं करेगा, ये भी आराम से नीचे प्रिसिपिटेट हो जाता है मैग्नीशियम कार्बोनेट, और बनेगा एक वाटर बनेगा, पानी बनेगा जिसका हम लोग यूज कर लेते हैं, और यही है दिस इज क्लार्क मेथड, समझे, यही है क्लार्क मेथड। क्लार्क मेथड में हम लोग क्या किया, बॉयलिंग में क्या था, बॉयलिंग में हम लोग जनरली बॉयल कर रहे थे वाटर को, वो एक डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए था, ये पूरे सिटीज़ को हम लोग दे सकते हैं, इसमें क्या, इसमें करना कुछ नहीं था, बस खाली इसमें लाइम मिला देना, चूना मिला दीजिए आराम से पानी साफ हो जाएगा। आप लोग देखते होंगे दिवाली के वक्त जब
वाइट वाश होता है ना, तो वो वाला जो पानी होता है ना, उस पानी में चूना मिला के देखिए, और चूना मिलने के बाद जब कुछ समय बाद देखिएगा ना, तो ऊपर वाला पानी पूरा फिल्टर हो जाता है, पूरा साफ सुथरा एकदम हो जाता है। उस पानी को ना पी भी सकते हैं, लेकिन पीजिएगा मत वो सब, पी भी सकते हैं क्योंकि उसका सारा हार्डनेस खत्म हो गया है, हार्डनेस खत्म हो जाता है, लेकिन स्वाद भी उस टाइप का लगेगा नहीं, क्योंकि उसका जो भी उसमें मिनरल्स ये सब रहता है ना, वो भी सब फाइनली स्वाहा हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो फिर मिनरल्स ये सब ऐड करना होगा तब मजा आएगा पीने में। और यहाँ पे जब वाटर सॉफ्ट वाटर का हार्डनेस खत्म हो जाता है, तो फिर मिनरल्स फिटकरी मिला देने से पानी का स्वाद थोड़ा बढ़ जाता है। फिटकरी ये सब मिला के और सप्लाई वाटर भेज दिया जाता है घर घर तक, ठीक ना। तो यही था हम लोगों का क्लार्क मेथड। तो आई होप टेम्प्रोरी हार्डनेस को हटाने का तरीका पता चल चुका होगा। अब हम लोग देखते हैं कि अगर परमानेंट हार्डनेस रहेगा तो परमानेंट हार्ड वाटर को हम लोग कैसे रिमूव करेंगे, उसका भी तो कोई प्रोसेस होगा। उस प्रोसेस से भी रूबरू होते हैं हम लोग कि उस प्रोसेस मतलब उसको हम लोग कैसे रिमूव करेंगे, क्योंकि वो भी तो ज़रूरी हम लोग को पड़ता है। मान लेते समुद्र का पानी कहीं हमको सप्लाई करना, नदी का पानी कंटिन्यूसली कहीं सप्लाई करना, तो क्या हम लोग करेंगे, कोई तो उपाय अपनाना ही होगा, क्योंकि पीने का पानी तो है नहीं उतना सब जगह अवेलेबल। तो जब सब जगह अवेलेबल नहीं है तो अब हमको अवेलेबल भी करवाना तो है, तो अवेलेबल करवाना है, तो उसमें थोड़ा सा हार्ड वाटर को साफ़ करने में इंजीनियर्स को थोड़ा बहुत परेशानी होता है। ये सब इंजीनियर लोग ही करते हैं, समझे, ये सब इंजीनियर ही लोग ही करेंगे, उन्हीं लोगों का दिमाग है, ये सब लेबर से काम करवाते हैं लेकिन दिमाग इंजीनियर का रहता है, उन्हीं लोग सारा व्यवस्था करते, कैसे ये सब कैसे हुआ, सब एक्सपेरिमेंट करते रहते तब ना। तो ये सब थोड़ा बहुत सीखिएगा आप लोग, तब ना कहीं काम देगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग हार्ड वाटर को कैसे सॉफ्ट करते हैं। सो देखिए, अब हम लोग देखते हैं, अभी हम लोग क्या पढ़े थे, अभी हम लोग देखे कि जो वाटर का जो हार्डनेस है, जैसे कि टेम्प्रोरी हार्डनेस और फिर परमानेंट हार्डनेस, तो टेम्प्रोरी हार्डनेस को कैसे रिमूव करना है ये हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे ना कि परमानेंट हार्डनेस अगर रहेगा ना, तो उस परमानेंट हार्डनेस को कैसे हम लोग दूर करें। तो ध्यान रखना है कि और आप लोगों को ये ध्यान रखिएगा कि परमानेंट हार्डनेस होता है ना जो वाटर में, उस वाटर में क्या क्या चीज़ें पाया जाता है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो चीज़ पता रहेगा ना आपको कि हाँ ये इम्प्योरिटीज पाया जाता है हार्ड वाटर में, जो ये क्या है, ये वाटर के साथ मिल के घुला हुआ रहता है, वो पता रहेगा ना, तो उसको कैसे हटाना है, हटाने वाला तरीका पता आप लोगों को चल जाएगा। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि आपको ये पता है ना कि हाँ, अगर आप कोई भी रोगी को देखकर आप मतलब कि कोई भी रोगी को जांच करके आप बता दीजिए, मतलब आपको पता चल जाएगा ना कि हाँ, इस रोगी को मलेरिया धर ले है या टाइफाइड धर ले है, तो उसके अनुसार उसको दवा देने में ना बहुत सहूलियत होता है। तो वही है इसमें कि टेम्प्रोरी हार्डनेस में क्या क्या चीज़ें मिला हुआ ये पता होना चाहिए, ताकि उसको हम लोग आसानी से रिमूव कर सकें, और फिर हार्डनेस जो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर है उसमें क्या क्या चीज़ें मिला हुआ है ये आपको पता होना चाहिए, और उसको फिर हम लोग उसको दवा दारू करेंगे आगे, ठीक ना। तो पहले ये जानकारी इसीलिए नहीं देखते डॉक्टर लोग, पहले कन्फर्म होने के लिए ब्लड टेस्ट करवाते हैं ताकि पता चल जाए, क्योंकि उसी के अनुसार उसको दवा दिया जाएगा। ये नहीं कि बहुत सारा अब एक बॉडी है, बॉडी तो में बहुत सारा रोग हो सकता है ना बॉडी में, तो ये तो पता चलना चाहिए कि कौन सा रोग हुआ है, उसी के अनुसार उसको दवा दिया जाएगा, ताकि उस जो भी बैक्टीरिया के चलते रोग बढ़ा है उस बैक्टीरिया को वही दवा जाके मारे, ये नहीं कि उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे, वैसा नहीं, स्टार्टिंग में एक्सपेरिमेंट होता है फिर बाद में धीरे धीरे होते रहता। तो देखिए, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे रिमूविंग ऑफ हार्डनेस ऑफ परमानेंट वाटर, परमानेंट वाटर का हार्डनेस को हम लोग कैसे रिमूव करेंगे। देखिए, इसमें हम लोग ना मेनली दो मेथड के बारे में जिक्र करेंगे, दो मेथड में पहला है हम लोगों का बाय एडिंग सोडा एस। देखिए, ये सोडा एस मेथड क्या होता है, सोडा एस जनरली किसको हम लोग बोलते हैं, सोडा एस बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट को। ये देखिए, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, तो Na2CO3, ये Na2CO3 है क्या, ये Na2CO3 है वाशिंग सोडा, यही ना होता है Na2CO3 × 10H2O, ये होता है वाशिंग सोडा यानी धोवन सोडा। तो इसी का यूज करके हम लोग जो भी परमानेंट हार्डनेस होता है वाटर के अंदर उसको हम लोग आराम से रिमूव कर देंगे। देखते हैं कि कैसे रिमूव होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि परमानेंट हार्डनेस पे क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। तो देखिए, परमानेंट हार्डनेस में कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्या पाया जाता है, सल्फेट ही पाया जाता है ना, सल्फेट पाया जाएगा, क्लोराइड पाया जाएगा, यही पाया जाता है। और अगर
टेम्प्रोरी हार्डनेस होता है तो उसमें क्या पाया जाता है, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट पाया जाता है, उसी के अनुसार दवा उसको देंगे ना। तो यही है इसमें, तो परमानेंट हार्डनेस में याद रखिएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम का सल्फेट और फिर क्लोराइड पाया जाता है। देखिए इसको हम लोग देखते हैं बाय एडिंग सोडा एस यानी Na2CO3 को ऐड करने के बाद कैसे हम लोग परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करेंगे उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले डिफिनीशन देखते हैं। देखिए डिफिनीशन हम लोगों को क्या बोलता है, डिफिनीशन बोलता है कि द परमानेंट हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड बाय एडिशन ऑफ द कैलकुलेटेड, देखिएगा कैलकुलेटेड क्वांटिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट। इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, अनुवार नहीं मिलाना है, क्या मिलाना है, कैलकुलेटेड क्वांटिटी, कैलकुलेशन करके, यानी आपको अब हम लोगों को तो पता रहेगा ना कि कितना लीटर वाटर है उसका परमानेंट हार्डनेस हम लोग रिमूव कर रहे हैं, तो उसका कैलकुलेटेड क्वांटिटी को हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेटेड क्वांटिटी उसमें मिलाएंगे, किस चीज़ को मिलाएंगे, सोडियम कार्बोनेट को। याद रखिएगा, याद क्या रखना है कि जब परमानेंट हार्डनेस को हम लोग रिमूव करते तो क्या मिलाते हैं, सोडियम कार्बोनेट, और जब टेम्प्रोरी हार्डनेस को रिमूव करते तो क्या मिलाते थे हम लोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दोनों में चूना मिला रहे, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला रहे थे, इसमें सोडियम कार्बोनेट मिला रहे हैं, तो दोनों में याद रखिएगा नहीं तो भूलिएगा मत, बाय विच, जिससे कि क्या होगा, बाय विच, जिससे कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट आर प्रिसिपिटेटेड। देखिए जैसे ही हम लोग सोडियम कार्बोनेट मिलाएंगे ना, जैसे ही सोडियम कार्बोनेट मिलाएंगे वैसे ही जो कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो सल्फेट और क्लोराइड था ना वो क्या हो जाएगा, वो प्रिसिपिटेट हो जाएगा, प्रिसिपिटेट मतलब कि नीचे जाके अवक्षेप के रूप में बैठ जाएगा, ठीक ना, पेंदी में नीचे जाके बैठ जाएगा। अब देखिए ये कैसे काम करता है उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अगर परमानेंट हार्डनेस रहेगा तो उसमें या तो SO4 या Cl2 देखने को मिलेगा, और ये किसका SO4 और किसका Cl2, कैल्शियम और मैग्नीशियम का, या तो मैग्नीशियम सल्फेट देखने को मिल सकता है या फिर कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड देखने को मिल सकता है। ये हम लोगों का क्या करता है, यही हम लोगों को परमानेंट हार्डनेस दिखाता है, यानी परमानेंट हार्डनेस वाटर का, परमानेंट हार्ड वाटर को परमानेंट हार्ड बना देता है। अब देखिए कैल्शियम सल्फेट से हमको क्या करना है, SO4 को कैसे भी रिमूव करना है, तो SO4 को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट इसमें मिला देते हैं, सोडियम कार्बोनेट, और ये जैसे ही सोडियम कार्बोनेट मिलाते हैं तो ये इसके साथ रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के बाद यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। कैल्शियम कार्बोनेट भारी होता है, नीचे आराम से बैठ जाता है, साथ साथ क्या बनाता है, साथ साथ बनाता है Na2SO4, साथ साथ बनाता है, देखिए Na2SO4, और ये Na2SO4 ये क्या है, ये है साल्ट, ये पानी के साथ घुल जाता है, फिर आराम से आगे हम लोग इसको कर लेते हैं। मेन हम लोगों को ये प्रिसिपिटेट हुआ था, इसको हटाना है हम लोगों को। अब ये सोडियम सल्फेट है Na2SO4, ये साल्ट होता है, इस साल्ट को फिर जब हम लोग और आगे फर्दर प्रोसेस करते हैं तो उस प्रोसेस में ये भी रिमूव हो जाता है। इसमें मेनली हम लोगों को क्या करना था, जो परमानेंट हार्डनेस है वाटर का, उस परमानेंट हार्डनेस को ख़त्म करना था हमको, ठीक। नेक्स्ट देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ क्या होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ क्या होगा, इसमें भी Na2CO3 मिलाएंगे, जब Na2CO3 मिला देंगे तो फिर से हम लोग को मैग्नीशियम कार्बोनेट बच जाएगा, और ये मैग्नीशियम कार्बोनेट नीचे प्रिसिपिटेट हो जाएगा, और साथ में बचेगा NaCl बचेगा, NaCl मीन्स यहाँ पे ये भी साल्ट है, लवण, और ये भी NaCl क्या हो जाएगा, ये भी वाटरवे के साथ क्या रहेगा, घुला हुआ रहेगा, वाटर के साथ घुला हुआ रहेगा। जब फर्दर हम लोग और करेंगे, यहाँ पे मेन हम लोगों को क्या करना था, परमानेंट और टेम्प्रोरी हार्डनेस को जो था उसको ख़त्म कर दे, उसको ख़त्म कर देंगे ना तो फिर आगे फर्दर प्रोसेस जो भी करेंगे ना वो सब करने में आसानी हो जाएगा, और फिर डायरेक्ट हम लोग सप्लाई कर देंगे। अभी तक केवल और केवल अभी हम लोग घर तक नहीं पहुंचाए हैं, अभी नदी तालाब से पानी उठा के उसका हार्डनेस जो था, टेम्प्रोरी और परमानेंट हार्डनेस, उसको अभी हम लोग रिमूव कर रहे हैं। अभी उसके बाद उसमें और बहुत सारा चीज़ें मिलाएंगे अभी, और उसका थोड़ा थोड़ा प्रोसेसिंग करेंगे, और प्रोसेसिंग करके फिर उसको घर तक हम लोग भेजेंगे। तो उसको देखिएगा, यहाँ तो NaCl हो गया। अब जैसे देखिए, अब ये जो बाई एडिंग सोडा एस प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस से हम लोग क्या कर सकते हैं ना, इस प्रोसेस से हम लोग टेम्प्रोरी हार्डनेस होता है ना वाटर के अंदर, उस टेम्प्रोरी हार्डनेस को भी हम लोग रिमूव कर सकते हैं इस प्रोसेस से, तो बाय एडिंग सोडा एस मेथड से। तो देखिए ये इसका भी एक हम स्टेटमेंट लिखें, स्टेटमेंट क्या है, देखिए दिस प्रोसेस इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर रिमूविंग ऑफ टेम्प्रोरी हार्डनेस। ये जो प्रोसेस है यानी एडिंग सोडा एस मेथड है, एडिंग सोडा एस मेथड यानी सोडियम कार्बोनेट, इसको लिख लीजिए, इसको सोडियम कार्बोनेट
लिख लीजिएगा, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाशिंग सोडा, ठीक है ना, इसको हम लोग वाशिंग सोडा बोलते हैं। अब जैसे देखिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये जो जिस वाटर में बाइकार्बोनेट घुला हुआ रहता है वो कैसा शो करता है, वो टेम्प्रोरी हार्डनेस के बारे में बताता है। टेम्प्रोरी, ये टेम्प्रोरी हार्डनेस है, इसको हटाना, तो इसको हटाने के लिए सोडियम कार्बोनेट मिला दिया, जैसे ही सोडियम कार्बोनेट मिला है तो कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाएगा और कैल्शियम कार्बोनेट नीचे बैठ जाएगा पेंदी में, और फिर बचेगा क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, ये साल्ट है, साल्ट के फॉर्मेट में रहेगा। ये सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, सो पता चल रहा है आप लोगों को, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये है क्या, सोडा, जो वाशिंग सोडा, सॉरी वाशिंग सोडा नहीं, खाने वाला जो सोडा होता है ना, वो मीठा सोडा, वो वाला है, जो जिलेबी ये समय डाला जाता है वही है ये सोडा। तो इसको तो हम लोग खा भी सकते हैं, ये हम लोग को स्वाद भी बढ़ा देता है, लेकिन जनरली सब हम लोग रिमूव कर देते हैं। ये क्या है, इसका नाम है बेकिंग सोडा, लिखते हैं बेकिंग सोडा, ठीक ना, यानी ये खाने वाला सोडा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए बाय एडिंग सोडा एज मेथड, इसके बाद नेक्स्ट मेथड एक और है, उस मेथड को भी हम लोग समझ लेते हैं कि उस मेथड से कैसे हम लोग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को हम लोग कैसे रिमूव करते हैं, जो भी परमानेंट हार्ड वाटर है उसको परमानेंट हार्डनेस से कैसे भी हमको रिमूव करना है। अब देखिए अब हम लोग देखते हैं ना कि जो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर होता है ना उसको कैसे रिमूव करते हैं। देखिए इसके पहले अभी हम लोग जो पढ़े ना सोडा एश लाइम एश मेथड, उसको ना आप लोग अगर हो सके तो मेंशन कर दीजिएगा। जो क्लार्क मेथड पढ़े ना, क्लार्क मेथड का दो मेथड, क्लार्क मेथड था, उस मेथड से हम लोग दोनों को रिमूव कर सकते हैं, टेम्प्रोरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। तो इसके पहले वाला ना आप क्लार्क मेथड में उसको डाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन आप लोग से पूछ सकता है कि परमानेंट हार्ड या टेम्प्रोरी हार्डनेस को क्लार्क मेथड, मतलब टेम्प्रोरी हार्डनेस को कैसे दूर करें अकॉर्डिंग टू क्लार्क मेथड, तो क्लार्क मेथड के अकॉर्डिंग आप वो लिख दीजिएगा। और अगर बोलेगा कि आप परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को कैसे रिमूव करें बाई क्लार्क मेथड, तो आप अभी जो जस्ट बताएं इसके पहले लाइम एस वाला वो लिख दीजिएगा, ठीक। अब एक नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये भी है हम लोगों का टेम्प्रो, देखिए ये जो मेथड अभी हम पढ़ेंगे, जैसे देखिए इसके पीछे वाला पढ़े लाइम एस मेथड वाला जो हम लोग पढ़े उसमें क्या था, लाइम एस मेथड नहीं, सोडा एस मेथड था। तो आप सोडा एस मेथड को आप वो दे सकते हैं क्लार्क मेथड का एक टाइप, ठीक। और देखिए सोडा एस मेथड से भी तो हम लोग दोनों तरह का वाटर को रिमूव किए, हार्डनेस, टेम्प्रोरी हार्डनेस को भी और परमानेंट हार्डनेस को। और इसको देखिए एक नेक्स्ट मेथड है लाइम सोडा मेथड, लाइम सोडा प्रोसेसिंग है। इस प्रोसेसिंग के थ्रू भी हम लोग क्या करते हैं कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर और टेम्प्रोरी हार्डनेस ऑफ वाटर दोनों को हम लोग इसके थ्रू रिमूव करते हैं। लेकिन ये जनरली हम लोग परमानेंट हार्डनेस को ही रिमूव करने के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक। परमानेंट हार्ड वाटर को ही हम लोग जनरली इससे रिमूव करने के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि टेम्प्रोरी हार्डनेस को हम लोग रिमूव कर ही ले रहे हैं, तो परमानेंट पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे ना, तो मेनली इसको परमानेंट के ही ऊपर ले चलते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा थ्योरी है, ज़्यादा थ्योरी है लेकिन दम नहीं है। बस इसमें भी क्या हम लोगों को करना है, इसमें हम लोगों को देखिए लाइम सोडा प्रोसेस, यानी इसको हम लोग शॉर्टकट में एलएस मेथड भी या एलएस प्रोसेस भी बोलते हैं। एलएस में ध्यान रखिएगा लाइम और प्लस में सोडा, लाइम मतलब बोला जाए क्लार्क मेथड के थ्रू हम लोग टेम्प्रोरी हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव कर रहे थे, तो यहाँ पे भी देखिए लाइम में क्या हम लोग मिला रहे थे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो लाइम हम लोग का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। सोडा देखिए सोडा हम लोगों का क्या देता है, Na2CO3, यानी ये सोडा से हम लोग क्या कर रहे थे, सोडा से परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को भी हम लोग रिमूव कर रहे थे सोडा मेथड के थ्रू। और फिर क्या कर रहे थे, मतलब दोनों अलग अलग कर रहे थे। अभी हम लोग क्या किए कि दोनों को, लाइम को भी साथ में और सोडा को भी साथ में, दोनों को साथ में करके दोनों को ले आए हैं, बस दोनों को ले आए हैं, उसी को नाम दे दिया गया एलएस प्रोसेस। एलएस मतलब लाइम सोडा प्रोसेस। देखिए लाइम सोडा प्रोसेस क्या है, लाइम सोडा प्रोसेस है। इसमें भी कुछ नहीं करना, बस वही जो भी इम्प्यूरिटीज है उस इम्प्यूरिटीज के अनुसार उसमें हम लोगों को लाइम और सोडा मिलाते जाना है, और फिर उससे प्रिसिपिटेट उधर हम लोगों को ले आना है, और फिर
प्रिसिपिटेट बन गया तो नीचे पेंदी में बैठ जाएगा, छन आ जाएगा। इसके बाद हम लोग उसका आगे का और बाद में प्रोसेसिंग और आगे का प्रोसेसिंग हम लोग करेंगे। तो देखिए एलएस मेथड क्या बोलता है, एलएस प्रोसेस, देखिए एलएस प्रोसेस क्या हम लोग को बोलता है, हम लोगों को बोलता है कि एलएस प्रोसेस इज ए वेरी पॉपुलर एंड इजी मेथड फॉर सॉफ्टेनिंग ऑफ वाटर। देखिए सॉफ्टेनिंग ऑफ वाटर यानी वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए, वाटर को जो हार्ड वाटर है उसको सॉफ्ट बनाने के लिए जो हम लोग एलएस मेथड यूज कर रहे हैं, एलएस मेथड मीन्स लाइम सोडा मेथड, वो क्या है, बहुत पॉपुलर है और साथ साथ आसान मेथड है। बात सही है, आसान मेथड है और पॉपुलर भी है, क्योंकि ये दोनों काम साथ साथ कर दे रहा है। अगर टेम्प्रोरी हार्डनेस भी, परमानेंट हार्डनेस भी है, तो दोनों को ये साथ साथ लेकर काम कर देगा, इसमें अलग अलग कुछ नहीं करना। देखिए क्या बोलता है, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व, इस प्रोसेस के अंतर्गत अंतर क्या क्या इन्वॉल्व है सो देखिएगा, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ द सोल्यूबल हार्डनेस। देखिए इस प्रोसेस के अंतर्गत क्या आता है, जो भी वाटर में सोल्यूबल हार्डनेस है, जो भी वाटर में सोल्यूबल होगा वही वाला ना, जैसे कि जो भी वाटर में सोल्यूबल होता है उसी के चलते तो उस पानी में हार्डनेस का गुण आता है। तो यही बोल रहा है कि इस प्रोसेस के अंतर्गत जो सोल्यूबल हार्डनेस है, उस सोल्यूबल हार्डनेस को हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्जन करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किसमें, इन सोल्यूबल, देखिए कन्वर्जन ऑफ सोल्यूबल हार्डनेस प्रोड्यूसिंग साल्ट इंटू इन सोल्यूबल प्रिसिपिटेट्स। यानी जो सोल्यूबल हार्डनेस है ना, वाटर में जो सोल्यूबल हार्डनेस है घुला हुआ है, उस वाटर को हम लोग क्या करेंगे, इन सोल्यूबल प्रिसिपिटेट के फॉर्म में लाएंगे। इन सोल्यूबल मतलब कि कुछ मिक्स करेंगे, जिससे कि उसको जो सोल्यूबल है घुला हुआ है उसको छोड़ेगा और फिर इन सोल्यूबल के फॉर्मेट में आएगा और नीचे प्रिसिपिटेट होगा। और आगे बोलता है विथ द हेल्प ऑफ, और ये किसके सहारे हम लोग ऐसे करेंगे, विथ द हेल्प ऑफ सोडा यानी Na2CO3 के सहारे एंड लाइम CaOH के Hol2 के सहारे ये काम हम लोग करेंगे, ठीक ना। तो आई होप समझ में आ गया। अगर यहाँ से क्वेश्चन में पूछ सकता है कि एलएस मेथड यानी एलएस प्रोसेसिंग में कौन कौन सा चीज हम लोग यूज करते हैं, तो सोडा, सोडियम कार्बोनेट एंड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज करके हम लोग इसका जो परमानेंट हार्डनेस, टेम्प्रोरी हार्डनेस है वो हम लोग हटाते हैं। इस प्रोसेस में मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ है कि जो भी सोल्यूबल हार्डनेस है, सब में तो हम लोग यही कर रहे हैं ना, कि जो सोल्यूबल हार्डनेस है उसको इन सोल्यूबल हार्डनेस के फॉर्म, यानी जो सोल्यूबल हार्डनेस है उसको इन सोल्यूबल प्रिसिपिटेट के फॉर्म में ला दे रहे हैं और फिर वहाँ से फिल्टर कर दे रहे हैं, सब में तो यही कर रहे थे। लेकिन इसमें एलएस मेथड में क्या है, दोनों साथ साथ करके हम लोग आराम से कर सकते हैं, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्या बोलता है, इन सोल्यूबल प्रिसिपिटेट्स आर सेपरेटेड बाय शेडिंग। देखिए अब जो इन सोल्यूबल प्रिसिपिटेट हुआ, जो यानी नीचे बैठ गया पेंदी में, जो नीचे बैठ गया है, वो जो बैठा हुआ है उसको अब हम लोग कैसे अलग करेंगे, उसको कैसे सेपरेट करेंगे, या तो उसको सेटलमेंट होने देंगे थोड़ा देर के लिए, या नहीं तो उसको क्या कर देंगे, फिल्टर कर देंगे, छान देंगे चलनी से, तो वो सब छना जाएगा क्योंकि वो तो वैसे भी प्रिसिपिटेट हो गया, नीचे जम गया, स्कम बन गया, तो उसको छानना आसान ही है, तो उसको हम लोग फिल्टर कर देंगे। देखिए इसका हम प्रिंसिपल लिख दिए हैं, प्रिंसिपल क्या, ये जो बायोडाटा था यही बायोडाटा का यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म डाला हुआ है। प्रिंसिपल इसका क्या है सो देखिए, लिख लीजिएगा सारा डाटा, लिख लीजिएगा नोट्स में। प्रिंसिपल क्या बनता है, बोलता है व्हेन वाटर इज ट्रीटेड विथ नन अमाउंट ऑफ लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडा सोडियम कार्बोनेट। देखिए जब हम लोग वाटर को ट्रीट करते हैं, हम लोगों को ये लेकिन पता होना चाहिए कि लाइम कितना मिला है और सोडा कितना मिला है, ठीक है, ये हम लोगों को पता होना चाहिए, वही दिख रहा है यहाँ पे। व्हेन वाटर इज ट्रीटेड विथ नॉन अमाउंट ऑफ लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडा सोडियम कार्बोनेट, ये हम लोगों को पता है कि कितना कितना मिलाना है, और इसमें जनरली यही यूज ही होता है। तो व्हेन वाटर इज ट्रीटेड विथ नॉन अमाउंट ऑफ लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडा सोडियम कार्बोनेट द डिजोल्व साल्ट्स ऑफ, देखिए द डिजोल्व साल्ट्स ऑफ कैल्शियम 2+ कैल्शियम आयन्स एंड मैग्नीशियम आयन्स प्रेजेंट इन वाटर। देखिए जो वाटर के अंदर जो डिजोल्व है, यानी वाटर के अंदर जो घुला हुआ है, वो कौन सा फॉर्मेट में है, कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन के ही फॉर्मेट में है, यही दोनों के चलते तो हार्डनेस आ रहा है वाटर में, और यही दोनों के चलते जो हार्डनेस आ रहा है इसी को हमको क्या करना है, रिमूव करना है। इसी दोनों को रिमूव करने के लिए हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट का यूज कर रहे हैं। वही बोलता है कि द डिजोल्व साल्ट, ये हम लोग का क्या है, कैल्शियम प्लस आयन और मैग्नीशियम प्लस आयन क्या है, डिजोल्व है, पानी में घुला हुआ है, डिजोल्व आयन प्रेजेंट इन वाटर, वाटर में प्रेजेंट है, इसी को हम लोग क्या करते हैं,
रिएक्ट विथ दीज एंड फॉर्म्स द इनसोल्यूबल प्रिसिपिटेट। यही दोनों जो है वाटर में मौजूद है, डिजोल्व है, इसमें घुला हुआ है, वो क्या करता है, वो इस दोनों के साथ रिएक्शन करेगा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद वो प्रिसिपिटेट के फॉर्म में यानी इनसोल्यूबल प्रिसिपिटेट के फॉर्म में क्या हो जाएगा, चेंज कर देगा। और जैसे ही ये कैल्शियम प्लस आयन और मैग्नीशियम प्लस आयन इनसोल्यूबल प्रिसिपिटेट के फॉर्म में चेंज हुआ, इसके बाद वो आराम से नीचे पेंदी में बैठ जाएगा, ठीक है ना, और पेंदी में बैठ जाएगा। इसके बाद फाइनल प्रोसेसिंग फिर हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे सेटलमेंट या फिर फिल्टर मेथड के थ्रू। ताई हो, ये आप लोगों का थ्योरी कुछ कुछ समझ में आ गया होगा। अब जब ये थ्योरी हम लोगों को समझ, जब ये थ्योरी हम लोग समझ गए, तो इसके बाद इसका देखते हैं कि कैसे कैसे ये वर्क करता है, मतलब कि ये जो सोडा है सोडियम कार्बोनेट, और फिर ये लाइम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब वर्क कैसे करता है। ये ना हर एक तरह का इम्प्योरिटीज़ को हटा देगा, जैसे इम्प्योरिटीज बहुत सारा इम्प्योरिटीज़ का चलते उसमें हार्डनेस आ जाता था, मेनली तो यही है कैल्शियम और मैग्नीशियम। अब इसमें भी देखिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ साथ ये तो सॉलिड पार्टिकल्स था, कुछ लिक्विड पार्टिकल्स के चलते भी हार्डनेस आ जाता था, कुछ गैसियस पार्टिकल्स के चलते भी हार्डनेस आ जाता था, तो वो सब हार्डनेस को कैसे अब हम दूर करेंगे इसी मेथड के थ्रू, एलएस प्रोसेसिंग के थ्रू, वो उसका अब हम लोग सबको एक इक्वेशन के फॉर्मेट में देखते हैं कि कौन सा इम्प्योरिटीज को, कौन सा इम्प्योरिटीज में क्या क्या चीज़ें मिलाएंगे हम लोग, सोडियम कार्बोनेट मिलाएंगे या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे, वो सब अभी हम लोग देखते हैं इक्वेशन के फॉर्मेट में, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि फंक्शन ऑफ लाइम कैसे काम करता है, और इसके बाद फिर हम लोग सोडा एस देखेंगे कि सोडा एस कैसे काम करता है। देखिए जनरली लाइम हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टेम्प्रोरी हार्डनेस को हटाने के लिए, टेम्प्रोरी हार्ड वाटर जो होता है उसको हटाने के लिए यूज करते हैं, और फिर जो सोडा एस था वो क्या था, वो हम लोग को परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को हटाने के लिए हम लोग काम करते थे। और इसमें क्या था एलएस मेथड में, इसीलिए दोनों साथ साथ पढ़ा रहा है कि जहाँ पे जो जरूरी पड़ेगा उसको हम लोग अप्लाई करके, और फिर लेकिन हाँ ये पता होना चाहिए कि जो भी उसमें इम्प्योरिटीज है वो इम्प्योरिटीज पता होना चाहिए आपको कि हाँ ये इम्प्योरिटीज हार्ड देगा या ये इम्प्योरिटीज मतलब हार्ड में भी टेम्प्रोरी देगा या फिर परमानेंट देगा, ठीक। यहाँ पे देखिए फंक्शन ऑफ लाइम के बारे में देखते हैं, कुछ करना नहीं है, बस खाली जो जो पहले हम पढ़े हैं ना वही चीज़ है यहाँ पे। जैसे देखिए फंक्शन ऑफ लाइम में पहला हम लोग का क्या है, रिमूवल ऑफ टेम्प्रोरी हार्डनेस ऑफ वाटर। सबसे पहला देखते हैं रिमूवल ऑफ टेम्प्रोरी हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर कैसे हम लोग करते हैं। सबसे पहले अगर देखिए किसी भी सोल्यूशन में बाइकार्बोनेट रहेगा तो टेम्प्रोरी हार्डनेस उसमें घुसेगा, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है इसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाए तो कैल्शियम कार्बोनेट नीचे बैठेगा और 2H2 इधर निकल जाएगा। फिर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है तो फिर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएं तो फिर से यहाँ पे 2CaCl यानी फिर से कैल्शियम कार्बोनेट नीचे प्रिसिपिटेट हो जाएगा। और इसमें देखिए यहाँ पे दो को प्रिसिपिटेट होगा, एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी नीचे प्रिसिपिटेट हो जाता है, तो ये दोनों नीचे बैठ जाएगा, तो ये दोनों से हमको काम नहीं है, ये दोनों फिर फिल्टर करके हटा दीजिए, मेरे को तो जरूरी है इससे को अलग कर दीजिए। देखिए और बहुत सारा है कि ये तो सॉल्यूशन पार्टिकल था लिक्विड पार्टिकल था, कुछ ऐसा भी है रिमूविंग ऑफ डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड भी जब वाटर में मिक्स होता है ना तो वो भी वाटर को हार्ड बना देता है, तो उसको भी हम लोगों को रिमूव करना है, तो उसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, जैसे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड इसको रिमूव करना है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला देंगे इसमें, हाइड्रोजन सल्फाइड है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी ये भी एक तरह का सॉफ्ट यानी टेम्प्रोरी हार्डनेस ही देता है, ये भी टेम्प्रोरी हार्डनेस ही दे रहा है ये भी, तो यहाँ पे ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, ये नीचे फिर से प्रिसिपिटेट हो जाएगा, पानी बन जाएगा। फिर यहाँ पे भी देखिए कैल्शियम सल्फाइड बनता है, कैल्शियम सल्फाइड नीचे प्रिसिपिटेट हो जाएगा और फिर यहाँ पे वाटर बन जाएगा, ठीक है। कैल्शियम सल्फाइड सल्फर है, कैल्शियम सल्फाइड यहाँ पे गैस के फॉर्मेट में भागेगा, इसको देख लीजिएगा थोड़ा, ये मेरे को लग रहा है ये गैस के फॉर्मेट में भागेगा और पानी फिर बच जाएगा, ये भाप बन के उड़ जाएगा, कैल्शियम सल्फाइड सल्फर है गैस हाइड्रोजन सल्फाइड, हाँ ठीक है। अब देखिए अगर मान लेते हैं कि पानी में कुछ कुछ डिजोल्व पार्टिकल है, जैसे डिजोल्व आयरन है, डिजोल्व एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का साल्ट या एल्युमिनियम का आयरन भी रहता है वाटर में, तो उसको भी अब हमको रिमूव करना है, तो उसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, जैसे फेरस सल्फेट APSO4 इसके साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिक्स करेंगे, एल्युमिनियम सल्फेट है Al2SO4 इसके साथ भी हम लोग क्या करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिक्स करेंगे, फिर हम लोग को क्या मिल जाएगा फेरस हाइड्रोक्साइड जो प्रिसिपिटेट है नीचे बन जाएगा, फिर कैल्शियम सल्फेट बनेगा। कैल्शियम सल्फेट भी क्या है, ये भी अभी भी हम लोगों का देखिए यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, ये एक तरह का
कैल्शियम का सल्फेट है ना, तो यहाँ पे भी हार्डनेस रहेगा, फिर हार्डनेस रहेगा, तो एक बार फिर से इसको हम लोग अलग कर रहे हैं, ये तो नीचे बैठ जाएगा, ये नीचे बैठ जाएगा, इसके बाद फिर से हम लोग कैल्शियम सल्फेट के साथ फिर से चूना मिला के कैल्शियम सल्फेट को हटा देंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे सल्फेट बच जा रहा है SO4। ठीक, नेक्स्ट देखिए Al2SO4 3C, इसको रिएक्शन यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा हम लोगों को Al2O3 का होल 3 AlOH का होल 3, ये भी नीचे प्रिसिपिटेट हो जाएगा, और कैल्शियम सल्फेट, फिर से ये जो कैल्शियम सल्फेट बच रहा है इसको एक बार फिर से सोडा एस या लाइम मिला कर फिर से एक बार रिएक्शन करवा देंगे, तो फिर से वहाँ से निकल जाएगा। ये है हम लोगों का क्या फंक्शन ऑफ लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो फंक्शन ऑफ लाइम के बाद फिर हम लोग देखते हैं फंक्शन ऑफ सोडा एस। फंक्शन ऑफ सोडा एस जो अभी हम आप लोगों का एक रिएक्शन लिख के बताए थे, दो रिएक्शन, वही वाला रिएक्शन फिर से हम यहाँ पे अप्लाई कर दे रहे हैं ताकि सब फिर कंटिन्यू हो सके। अब देखिए, अब हम लोग क्या किए, लिक्विड का हार्डनेस अब हम लोग हटा दिए, लिक्विड का अब हार्डनेस अभी हटाएं, अभी वाटर सप्लाई नहीं किए, बस फर्स्ट स्टेप वाटर को हार्डनेस हटा दिए, इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, वाटर को सप्लाई करेंगे घर तक पीने के लिए ना, तो घर तक पीने वाला वाटर होता है उसको हम लोग पोर्टेबल वाटर बोलते हैं, या नहीं तो उसको हम लोग म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाटर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उन्हीं लोगों के थ्रू वाटर जाती है घर तक, तो उसका अलग अलग नाम सबका दे दिया गया है, तो उसको देखते हैं। लेकिन उससे पहले फंक्शन ऑफ सोडा एस का भी देख लेते हैं, उसका क्या क्या फंक्शन है। देखिए इसको हम लोग देख लेते हैं फंक्शन ऑफ सोडा का, Na2CO3 का क्या क्या फंक्शन है। अच्छा, ये अभी हम लोग देखे थे ना कि एल्युमिनियम के साथ यहाँ पे SO4 को बच रहा था, यानी क्या हम लोग को बच रहा था, एक SO4 हम लोग को बच रहा था, शायद CaSO4 बच रहा था। तो देखिए ये जो CaSO4 को बचता है इसको भी ये वाटर के साथ मिला ही हुआ रहेगा, ये हटेगा नहीं, तो इसको ना अभी जस्ट रिएक्शन देखे थे उस रिएक्शन के बारे में बता दे रहे, ये CaSO4 को फिर हम लोग क्या करेंगे, देखिए CaSO4 को फिर हम लोग सोडियम कार्बोनेट के साथ मिलाएंगे, यानी जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिक्स कर रहे तो उसको मिक्स नहीं करेंगे उससे, नहीं क्योंकि ये हम लोग का परमानेंट हार्डनेस दे रहा, तो SO4 है तो परमानेंट हार्डनेस के लिए फिर हम लोग Na2CO3 का यूज करेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे देखिए अगर फंक्शन ऑफ सोडा रहेगा Na2CO3 को, इससे हम लोग कैसे रिमूव करेंगे सो देखिएगा, Na2CO3 यहाँ पे हम लोग CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड है इसको रिमूव करना, यानी यहाँ से क्लोराइड को रिमूव करना है, तो Na2CO3 हम लोग इसके साथ मिलाएंगे, यानी सोडियम कार्बोनेट मिलाएंगे इसके साथ, तो दोनों के साथ सब सोडियम कार्बोनेट को साथ हम मिलाएंगे ना, तो यहाँ से फिर हम लोगों को क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा जो नीचे जाकर बैठ जाएगा, और फिर बचेगा वही NaCl के फॉर्मेट में देखने को मिलेगा। कैल्शियम सल्फेट के साथ भी सेम होगा, Na2CO3 हम लोग मिक्स करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट Na2SO4 मिल जाएगा। यही है जो हम लोग पहले रिएक्शन पढ़ चुके थे, यही हम लोग का फंक्शन ऑफ सोडा। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कुछ कुछ, अगर पूरा नहीं समझ में आया होगा तो क्या कीजिएगा आप लोग, पूरा नहीं समझ में आया होगा ना तो एक बार शुरू से लेकर लेक्चर देखिएगा, जो वाटर का पूरा हम लोग पढ़े हैं ना, एक लेक्चर पहले भी पढ़े थे उसको और इसके बाद इसको, दोनों को कनेक्ट करके देखिएगा ना तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। नोट्स बनाइएगा, नोट्स से भी बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, फिर उसको भी पढ़िएगा तो याद हो जाएगा, फिर लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। इसके बाद इसका केवल और थोड़ा सा और पॉइंट बचा हुआ है हम लोगों को, कि जब हम लोग हार्डनेस को रिमूव कर दिए, अब इस पानी को अब हमको घर तक सप्लाई करवाना है, तो इस पानी को घर तक सप्लाई कैसे करवाएंगे। देखिए हम लोग सारा चीज़ देखें, पहले पानी क्यों ज़रूरी था वो देखें, फिर देखें कि अरे पानी तो पीने वाला बहुत कम है, तो जो गंदा पानी था, हार्ड वाटर था, उस वाटर को अब हम लोग फिल्टर करने की कोशिश कर रहे थे, तो उसमें जो जो भी इम्प्योरिटी था, हार्डनेस ये सब था, उस हार्डनेस को अभी हटा दिए। हार्डनेस को हटाने के बाद फिर अभी उसको और हम लोग और फिल्टर करेंगे, और फिल्टर करके कुछ कुछ मिनरल्स मिलाएंगे उसमें, और मिनरल्स मिला के इसके बाद फिर पाइप के थ्रू घर तक पहुँचा देंगे। तो अभी आधा दूर तक हम लोग पहुँचे, अभी कुछ कुछ और बाकी है, आधा दूर नहीं बहुत ज़्यादा कुछ कर लिए। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा उसको फिल्टर करना है, छानना उनना है कुछ कुछ उसमें, अभी मान लेते और कुछ कुछ गंदा है तो उस गंदे को हटाना है, अभी तो केवल हार्डनेस और सॉफ्टनेस वाला जो प्रॉपर्टी था उसको हटाएं, जिस साल्ट के चलते वाटर में हार्डनेस आ रहा था और सॉफ्टनेस आ रहा था, परमानेंट टेम्प्रोरी हार्डनेस आ रहा था, उसको रिमूव किए। अभी इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि फिल्टर अभी और कैसे करना है आगे, ठीक ना, तो फिर देखते हैं हम लोग आगे क्या होता है, ठीक है।